वैसे सीरियल माय नेम इज लखन के लखन खूब हंसाते हैं, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। जी हाँ, तो पर्दे के पीछे दिखाएंगे इनकी मस्ती, साथ ही किस तरह सीरियल में हो रहा है एक मैच, ये भी देखिएगा। गिरकर अपनी राधा को अपनी कुर्सी देकर कहीं ना कहीं लखन वुमेन्स डे को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर्दे के पीछे श्रेयस ईशा को इतनी इज्जत दे रहे हैं कि ईशा की हंसी ही नहीं रुक रही। हंसते हुए ईशा ने भी कुर्सी को संभाल लिया। अगर लखन की बात करें तो पर्दे के पीछे यूं हंसना हंसाना चलता ही रहता है, फिर चाहे वो राधा हो या कोई और किरदार। वैसे श्रेयस, जिस तरह से आप ईशा के बगल में जमीन पर बैठे हैं, बड़े ही क्यूट लग रहे हैं। पर्दे के पीछे का नज़ारा तो आप सबने देख लिया, अब आपको पर्दे के ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं, जहां पर जंग छिड़ी हुई है। ये जंग है लकी भाई और लखन के बीच, और अगर लखन अपने क्रिकेट टीम के साथ ये मैच जीतेगा तो वो लकी भाई को जंगल में कंस्ट्रक्शन करने से रोक पाएगा। सीरियस मुद्दा था, उसको एक लाइट हार्टेड वे में ट्रीट भी किया गया। जरूरत लक्की भाव जो अभी क्रिकेट खेल रहे और हमारी जो टीम है लक्की 11 की, टाइगर 11 के साथ आज कंपटीशन है जो लखन की टीम है, और हम उनको दिखाने वाले हैं कि हम सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि बल्ला भी बखूबी चला सकते हैं। पारी जब लखन की बैटिंग की आई, उनके सामने उनकी राधा थी, और अपनी राधा को अपने सामने पाकर उन्होंने मौके पर चौका मार ही दिया। भाई बॉल से चौका नहीं बल्कि राधा के मुंह से आई लव यू सुनने का। अभी तो फिलहाल मैच की शुरुआत हुई है, बहुत जल्द लखन एंड टीम इसको जीत भी लेंगे और लखन भाई को रोक भी देंगे। से सौमा वैद्य के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।